हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। देखिए, ईएमआई मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। लोन मेथड्स का एक ऐसा तरीका जहां पर इजी इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप किसी भी मनचाहे प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये इजी मंथली इक्विटेबल इंस्टॉलमेंट है, इसलिए सुनने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और इसी वजह से काफ़ी सारे कंज्यूमर इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। कंज्यूमर ट्रैप में फंस जाते हैं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के इस 21st सेंचुरी के ज़माने में, जहाँ कंपनी किसी प्रोडक्ट के ऊपर नॉर्मल टेम्पर लगा के नहीं देती, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का बैक कवर फ्री में नहीं देती, उस टाइम पीरियड में कंपनी से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट पे हमें बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस के वो प्रोडक्ट लगभग फ्री में दे दे। और इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक सेलफोन खरीदना है, जिस सेलफोन के स्टोर पे कीमत लगभग 15,000 की है, क्योंकि आप सेलफोन किसी ऑफर डिस्काउंट के थ्रू खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो 15,000 का सेलफोन आपको 13,000 में मिलने के लिए रेडी है। लेकिन ये 13,000 में तब मिलेगा जब आप पूरा पैसा दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि आप 13,000 रुपये पूरी तरह से एक बार में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ पर आपको इस ट्रैप में फंसाने के लिए एक नो कॉस्ट ईएमआई की ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट की एक स्ट्रैटेजी उन्होंने लगा रखी है। इसके चलते आपको वो 15,000 का सेलफोन बड़ी आसानी से 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, यानी कि 5,000-5,000 रुपए 3 महीने तक देते हुए वो सेलफोन आपका हो जाएगा। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात ये थी कि जो 15,000 की चीज थी वो पूरे पैसे में मिल रही थी आपको 13,000 में, और वहीं वो चीज नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे, जहां आपको एज ए कंज्यूमर लगता है कि आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, 13,000 की चीज आपको मिलती है 15,000 रुपए में। इसमें 13,000 रुपए जाते हैं उस शॉपकीपर के पास और 2,000 रुपए चले जाते हैं उस फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के पास जिसके थ्रू आपने ईएमआई करवाई थी, और इस तरह से कंज्यूमर एक ट्रैप में फंस जाता है। कंज्यूमर को इस ट्रैप से बचाने के लिए आरबीआई ने 2013 के अंदर कंपनीज के ऊपर इस नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर पर बैन लगा दिया था कि कंपनीज किसी कंज्यूमर को अब नो कॉस्ट ईएमआई पर प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। लेकिन इस लॉ में भी कंपनीज ने एक लूप निकाल लिया, आप कंपनीज डायरेक्टली कंज्यूमर को ये ऑफर ना देते हुए किसी मिडिलमैन, किसी शॉपकीपर या किसी शॉपिंग मॉल को अपना इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म बनाती है, और नो कॉस्ट ईएमआई का कंज्यूमर ट्रैप आज भी जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।